नमस्ते। आज एक कहानी लेके आया और वो कहानी एक किस्से से जुड़ी हुई है। किस्सा ये कि कल मैं मेरे पिताजी के साथ एक बात कर रहा था कि पिताजी क्रिएटिविटी क्या होती है। तो पिताजी बात करते करते ये कहानी तक पहुंचे। ये कहानी शायद आपने भी सुनी है और मैंने भी सुनी है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट यहाँ पे कुछ अलग है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बड़ी कंपनी जो कार मैन्युफैक्चर करती थी, वो कंपनी एक नया मॉडल बनाने वाली थी और वो नया मॉडल इंसान की हाइट से भी ज्यादा था, हम उसे एक्सयूवी कह सकते हैं। तो वो जो एक्सयूवी मॉडल था, वो एक्सयूवी मॉडल उन्होंने वेयरहाउस के अंदर, जो जहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन के इलाके में बनाया था। अब बात ये हुई कि प्रोडक्शन के इलाके में वो प्रोडक्ट बनने के बाद, यानी वो कार बनने के बाद, अब उसे बाहर ले जाना था। लेकिन उन्होंने अब तक जो कार बनाई थी वो थोड़ी नीचे थी, 6 फुट से कम थी। तो उन्होंने पहले जो वेयरहाउस का दरवाजा बनाया था वो 6 फुट का, जो शटर है वो 6 फुट का, उससे बड़ा नहीं था। तो अब दिक्कत ये आई कि ये गाड़ी को बाहर कैसे ले जाना है। सारे इंजीनियर R&D रिसर्च वाले बैठे थे, एक एक करके सुझाव दे रहे। सबसे पहले उन्होंने कहा, हम कार को यहाँ पे डिसमेंटल करते हैं, यानी अलग करते हैं और बाहर जाके फिर से जोड़ देते हैं। दूसरे एक बंदे ने डिजाइन किया कि एक और नया डिजाइन बनाया जाए जिससे ये गाड़ी की हाइट थोड़ी कम हो। तीसरे बंदे ने आइडिया दिया कि हम एक काम करते हैं, ये जो छत का जो ऊपर का भाग है 6 फुट, उसे हम तोड़ देते हैं। यानी हर तरह से वो लोग डिस्ट्रक्शन करने की आइडिया में थे, डिस्ट्रक्शन के विचार के साथ। तो ये सारी बातें चल रही थी, घमासान चल रही थी, अंदर गर्मा गर्मी थी। तो वॉचमैन ने ये सीनारियो देखा, ये बातचीत देखी और वहां आके पूछा, सर क्या हुआ? तो वो लोग तो थे बड़े आदमी, ईगो वाले थे, तो बोला कि छोड़, तेरे बस का नहीं। फिर भी वॉचमैन ने इंसिस्ट किया, सर बताओ तो सही क्या हुआ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तो फिर उन्होंने बोला कि हम बड़े IQ वाले लोग नहीं कर सकते, तो तू क्या कर लेगा, ठीक है चल तू भी अपना ट्राई कर। ऐसे करके ईगो में उसने वॉचमैन को प्रॉब्लम बताया, ये जो बड़ी गाड़ी है उसको हम बाहर ले जाए, तू ले जा सकेगा? वॉचमैन ने सिंपल क्या किया, वहां गया, चारों टायर की हवा निकाली, गाड़ी की हाइट कम हो, अब वो गाड़ी को धक्का मार के बाहर ले जाया जाए। तो ये कहानी का मोरल ये है, सबसे पहला, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उसके एजुकेशन की। नंबर दूसरा, एक वॉचमैन के पास भी आपसे ज्यादा IQ हो सकती है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को मैं और वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि सिक्स सेंस, यानी कॉमन सेंस, जो बहुत बार हम सिचुएशन पे इतना अड़ जाते हैं कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, हर चीज में हम लॉजिक भी नहीं देते, और उसकी वजह से एक बहुत ही ईजी चीज का आंसर भी हम कॉम्प्लेक्स कर देते। तो ये कहानी से मेरी ये सीख थी कि कभी कभी चीजों को छोड़ देना और इतनी सहज तरीके से देखना चाहिए कि लगे ही नहीं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है। शायद ये फॉर्मूला हम ये लॉकडाउन के दौरान भी यूज कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा पैनेडेमिक है, अगर हम थोड़े से मेजर लेके चले तो शायद ये हमारे लाइफ का गोल्डन पीरियड हो सकता है, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारी हॉबी के साथ, हमारी फैमिली के साथ, सबके साथ रह सकते हैं। सो माई इंटेंशन वॉज टू गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू टू यू एंड योर थिंकिंग कि शायद अगली बार से हम किसी घटना को या किसी कहानी को कुछ अलग नजरिए से देखें। शायद ये कहानी आपने सुनी है, शायद ये कहानी आपको पसंद आई हो, शायद ये आपको पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, देन इसे शेयर कर दीजिए, आप समझदार तो हो ही, एंड इस चीज पे स्टार्ट विचारिंग एंड स्टे मुस्कुराते। आई विल सी यू सून। जय श्री कृष्ण।